नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाली आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री गणेश। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोज़ाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सकें। किसी झगड़ारू इंसान से वाद विवाद आपका मूड भी खराब कर सकते हैं। समझदारी से काम ले, अगर संभव हो तो इससे बचें क्योंकि किसी भी तरह का विवाद आपके लिए मददगार भी नहीं रहेगा। रुका हुआ धन मिलेंगे और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। घर को भी सजाने संवारने के अलावा बच्चों की जरूरतों पर ध्यान दें। बच्चों के भी और बिना घर भी आत्मा के बिना शरीर की तरह हैं, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। बच्चे घर के भी उत्साह और खुशियों के भी और सौगात भी लाते हैं और आपका सांस आपको प्यार और दिलाने में सफल रहेंगे। आज के दिन कार्यालय का माहौल बढ़िया भी बना रहेंगे। घर के कामों को पूरा करने के बाद भी इस राशि के गृहिणी आज के दिन फुर्सत में टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख सकते हैं। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है और दिनचर्या व्यवस्थित रहेंगी। इससे आप अपने अन्य कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। नज़दीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन व मेल मिलाप में बेहतरीन समय व्यतीत होंगे। युवाओं को अपने भविष्य संबंधी कोई बेहतरीन उपलब्धियां मिल सकती हैं। कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्दबाज जैसे स्वभाव आपके लिए भी कुछ परेशानियाँ खड़ी कर देता है तथा दूसरों के साथ संबंधों में खटास आ सकते हैं। आत्मचिंतन जरूर करें, इससे आपका सही गलत भी समझ आएंगे। व्यक्तिगत की पारिवारिक समस्याओं का असर अपने व्यवसाय पर ना पड़ने दें। बीमा और कमीशन के बिजनेस में फायदेमंद भी और स्थिति बन रही है। नौकरी पैसा लोगों को भी ऑफिशियल यात्रा पर जाना भी पड़ सकती है। दायित्व जीवन में उसे समांज बना रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से भी खुशनुमा यादें ताज़ा भी होंगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेंगे, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना बिल्कुल उचित नहीं है। और आज का भाग्यशाली अंक रहने वाली हैं लाल और आज का भाग्यशाली अंक रहने वाली हैं 5, जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाली हैं। आज के दिन छोटी से छोटी बातों की वजह से आपको खुशी मिल सकती है। आपके प्रयत्नों के कारण काम आगे बढ़ेंगे। मित्रों के साथ वक्त भी बिताएं और वजह से बेचैनी दूर होंगे। काम से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलेंगी। इस व्यक्ति के साथ नए काम की शुरुआत हो सकती है। काम से जुड़ा निर्णय से लेने से पहले आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना भी जरूरी है और जिस प्रकार से आप निवेश करेंगे वैसे फायदे मिलेंगे। रिलेशनशिप से संबंधी नाराज़गी को दूर करना संभव होंगे और एक दूसरे के करीब भी महसूस होगा। आंखों से संबंधी तकलीफ भी आपके लिए होंगी और आज मन भी अध्यात्मक में लगेंगे। प्रशंसा रहेंगी और आज बेहतर रहेंगे। विरोधी पीछे हटने वाली हैं। नए कार्यों की भी और आज प्राप्ति होंगी। योजनाएँ सफल होंगी। दोपहर का समय अनुकूल रहेगा। व्यापार नौकरी में लक्ष्य भी साधने में सफल होंगे। लाभकारी भी सौदे भी होंगे। शाम को निराशा से बचे। हनुमान जी को भी तेल का भी दीपक लगा दे तो सारे निराशापन की सारी समस्या भी दूर हो जाएंगे। कार्य कुशलता भी रहेंगी। प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होंगी। आय बेहतर रहने वाली है। उलझने समाप्त होंगी। दोपहर का समय अच्छा भी रहेगा। नए कार्य की प्राप्ति होंगी। व्यापार और नौकरी में बेहतर भी कर पाएंगे। प्रेम के मामलों में दूसरे दखल अंदाजी करेंगे, उनसे बचें। और शाम को तनाव भी हो सकते हैं। महादेव को भी बेलपत्र का भी अर्पण कर दें तो सारे तनावपन की समस्याएं आपके लिए दूर होते हुए चले जाएंगे और बहुत बड़े फायदे भी एक साथ मिलने की पूरी संभावना भी है।